बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, हमने फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन स्टार्ट किया था। तो सबसे पहले हमने देखा था कि हमारे पास जो वर्ड है फैक्टराइजेशन, इसका मतलब क्या है। तो हमने फैक्टराइजेशन दो टाइप्स की देखी थी, एक हमारे पास थी फैक्टराइजेशन ऑफ नंबर्स और उसके बाद हमारे पास आती है फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो फैक्टराइजेशन ऑफ नंबर्स तो छोटी क्लास में आप पढ़ चुके होंगे, बहुत ईजी है। अब हमने क्या करना है, फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सीखनी है कि हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कैसे करना है। हमने इसका बेसिक मेथड देखा था, आज से हम क्या करने जा रहे हैं, बाकायदा जो है टाइप वाइज इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि किस तरह के हमारे पास क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आज हम इसकी टाइप वन जो है सॉल्व करने जा रहे हैं। हमारे पास क्वेश्चन क्या आता है, फैक्टराइज क्या आता है, आपने इसको फैक्टराइज करना होता है। आपके पास जो है कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इस तरह के गिवन होते हैं, उसको आपने आइडेंटिफाई करना होता है और उसको फैक्टराइज करना होता है। अब फैक्टराइज का मतलब क्या होता है, आप पहले वीडियो देख लें उसको, अगर आप नहीं देखा नीचे लिंक आपको गिवन होगा प्लेलिस्ट का, आप उसको स्टार्ट में देख लें कि हमारे पास फैक्टराइजेशन होती क्या है। अगर नहीं पता तो सिंपल सी बात है कि हमने यहाँ से क्या करना होता है, इस हमारे पास जो एक्सप्रेशन गिवन होती है इसको हमने प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना होता है। यानी ये आपके पास प्लस की फॉर्म में लिखी हुई है ना, तो हमने इसको प्रोडक्ट की मल्टीप्लाई के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये हमारे पास क्या होती है, फैक्टराइज, यानी इसके डिफरेंट पार्ट्स को अलग अलग करना होता है। हमारे पास क्वेश्चन है फैक्टराइज 3x प्लस 6y प्लस 9z। ये बहुत ही सिंपल टाइप है, बहुत इजी टाइप है। सबसे पहले आपने नोट ये करना है कि हमारे पास टर्म्स कितनी है। यहाँ पे हमारे पास एक दो और तीन टर्म्स हैं, ठीक है। टर्म्स क्या होती हैं, जो प्लस माइनस से सेपरेट हो रही होती हैं, इनको हम टर्म्स कहते हैं, अलजेब्रिक टर्म्स। तो हमारे पास तीन टर्म्स हैं, आपने चेक करना है कि क्या हम इन तीनों टर्म में से कुछ ना कुछ कॉमन ले सकते हैं, कोई ना कोई चीज़ दोनों में आ रही है, तीनों टर्म्स में आ रही है, चारों टर्म्स में आ रही है, तो वो हम क्या निकालेंगे, उसको कॉमन निकालेंगे, ठीक है, उसको बाहर निकालेंगे। तो सबसे पहले आप नंबर देखें हमारे पास कौन सा है, 3x, ठीक है। आप 3 के फैक्टर निकाल लें, आप 3 के फैक्टर क्या हो सकते हैं, 3 और 1 हो सकता है क्योंकि 3 प्राइम नंबर है। अगर आप बिल्कुल बेसिक स्टार्ट कर रहे हैं, आपको जीरो नॉलेज है इसके बारे में, तो आप इसको सेपरेट कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पर तीन टर्म है, 3 × 1 × x, ये हमारे पास क्या बन गई, फर्स्ट टर्म को हमने अलग अलग कर दिया, पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास प्लस का साइन है, वो लगाएंगे, उसके बाद ब्रैकेट लगा लेते हैं। अब यहाँ पे आप देखें तो हमारे पास 6y है। अब y तो सिंपल है, ये तो वैसे आ जाएगा, बट 6 के आप क्या करेंगे, फैक्टर्स निकालेंगे। तो 6 को फैक्टराइज करेंगे, हमारे पास क्या आएंगे, यहाँ पर दो नंबर आएंगे, 3 × 2, आप जानते हैं 6 होता है। अगर आप चाहें तो यहाँ 1 भी लगा सकते हैं, ना भी लगाएं तो नो इशू, 3 × 2 × 1 × y आ जाएगा, ठीक हो गया। ये हमारे पास सेकंड हो गई, उसके बाद प्लस साइन है, उसके बाद लास्ट हमारे पास टर्म है। यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास 9z है, 9z है। तो सबसे पहले नंबर के फैक्टर निकालें, क्या होता है हमारे पास 3 × क्या होगा, हमारे पास 3 होगा, 1 आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ना भी लिखे तो इट्स ओके। उसके बाद हमारे पास वेरिएबल कौन सा है, वेरिएबल हमारे पास है z, ओके हो गया। ये हमारे जो है हर टर्म जो है सेपरेट हो गई, जितने टर्म्स इनकी पॉसिबल बन सकती थी। अब क्या करना है, अब आपने यहाँ से देखना है कि हमारे पास कौन सी चीज़ है जो सब में आ रही है, ठीक है। अगर आप गौर करें तो यहाँ पे हमारे पास तीन फैक्टर हैं, 3, 1 और x, यहाँ पे क्या है, 3, 2, 1 और y, उसके बाद क्या है, 3, 3, 1 और z। अब 1 को यहाँ से हम ख़त्म करते हैं, 1 को लिखने का फ़ायदा नहीं है क्योंकि 1 को मल्टीप्लाई करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसके ऊपर। ये मैंने वैसे आप कंसेप्ट कर लिखा है, कभी ना कभी हमें ज़रूरत पड़ सकता है 1 को लिखना, तो आप लिख सकते हैं। तो हमारे पास मेन फैक्टर कौन से हैं, इसमें हमारे पास 3 और x है, इसमें हमारे पास 3, 2, y है, इसमें 3, 3 और z है। यहाँ पर आपने गौर करना है कि हमारे पास जो है कौन सी चीज़ सब में आ रही है, इसको हम कहते हैं कामन। कामन मतलब होता है आम, जो सब के पास हो। तो यहाँ पर अगर आप गौर करें, 3 यहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ पर भी है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे x है और कुछ नहीं है, यहाँ पे 2 है और y है, और यहाँ पे 3 और z है। तो एक ही 3 जो है सब में आ रहा है, तो आपने इसको क्या करना है, कॉमन लेना, इसको कहते हैं कॉमन लेना। आपने इसको जो हमारे पास सब में आ रहा है इसको बाहर निकाल लेना है, अपने ब्रैकेट लगानी है, इसी मेथड को कहते हैं कॉमन, टेकिंग कॉमन या कॉमन लेना, ठीक है। जब 3 बाहर जाएगा, मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट में, तो हमारे पास पीछे क्या बचेगा, 3 को आप बाहर निकालने, पीछे क्या बचता है, एक्स बचता है। तो यहाँ पर आपने फर्स्ट टर्म की जगह पर क्या लिखना है, एक्स लिखना है। उसके बाद कौन सा साइन है, प्लस का साइन है। यहाँ पर हमारे पास 3 बार से लग गया, पीछे क्या बचा है, 2 × y, इसको आपने लिख लिया, ठीक है। या 2 × y की जगह आप 2y लिख दें, सिंपल, हमारे पास क्या आ जाएगा, ये सेकंड टर्म क्लियर हो गई। उसके बाद अगेन प्लस का साइन है, आपने साइन देखना है, माइनस भी हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास 3 एक बार से लग गया, पीछे क्या बचा है हमारे पास, 3z बच गया, इसको आप लिख लें, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख लें या सिंपल लिख लें 3z। तो अगर आप और करें तो हमारे पास ये क्या हो चुके हैं, फैक्टराइज हो चुके हैं। यानी हमने इसको प्लस की फॉर्म से मल्टीप्लाई की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। इसके दो फैक्टर हैं, एक हमारे पास 3 है और एक हमारे पास क्या है, x + 2y + 3z। अब आपने चेक करना है कि क्या हम मजीद इसको फैक्टराइज कर सकते हैं।
तो यहाँ पे हमारे पास x है, यहाँ 2y है, यहाँ 3z है, तो तीनों में कोई कॉमन नहीं आ रहा, कोई सेम चीज़ नहीं आ रही, तो इसको हम मजीद फैक्टराइज नहीं कर सकते। तो यही इसका क्या है आंसर है। आई होप सो आपको ये बेसिक टाइप समझ आ गई होगी कि कैसे हमने इसको जो है कन्वर्ट करना है, प्रोडक्ट के अंदर फैक्टर निकालने हैं। अब हम क्या करते हैं, इसकी एक्सरसाइज करते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं इसके। हमारे पास जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो क्या है, 25a प्लस 30b प्लस 5c, ठीक है। इसको हम राइट करते हैं और सॉल्व करते हैं, स्टार्ट करते हैं। बहुत ही सिंपल मेथड है, आपने क्या करना है, इनको सॉल्व करने का मेथड सीखना है। हमारे पास फर्स्ट जो है 25a प्लस 30b प्लस 5c, क्या करना है आपने, इक्वल लगाना है। इक्वल के बाद आपने क्या करना है, नंबर के फैक्टर निकालने हैं, वही सेम मेथड। आप यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स निकाल सकते हैं, तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें, 25 होता है। आगे हमारे पास क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय ए आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गई, फर्स्ट टर्म हो गई। उसके बाद हमारे पास जो है सेकंड आएगी, इसको प्लस में कन्वर्ट करें। उसके बाद 30 को देखें, हमारे पास कितने आ सकते हैं इसके, इसके हमारे पास आ सकते हैं फैक्टर्स 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें 6 बनता है, 6 को 5 से करें हमारे पास 30 बनता है। उसके बाद हमारे पास वेरिएबल कौन सा है, यहाँ पे वेरिएबल हमारे पास b है, तो यहाँ b आ जाएगा, इसको क्लोज करेंगे। उसके बाद सेकेंड हमारे पास जो है प्लस है, आपने ये टेंशन लेनी है प्लस माइनस की, अगर प्लस हो तो प्लस लगा देंगे, माइनस हो तो माइनस लगा दें। चलिए जहाँ माइनस कर देते हैं, यहाँ भी क्या आएगा, माइनस आएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है, इसमें क्या है, 5 और c है, इसका मतलब 5 के फैक्टर्स मजीद नहीं आ सकते, 5 प्राइम नंबर है, और मल्टीप्लाई बाय क्या होगा, सिंपल c होगा, ओके हो गया। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, कॉमन लेना है। कॉमन कैसे लेना है, आपने चेक करना है कि सब टर्म्स में कौन सी चीज़ आ रही है, 5 यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे 5 आ रहा है, यहाँ पे 5 आ रहा है, तो आपका 5 क्या आ गया, कॉमन आ गया। और कोई चीज़ कॉमन आ सकती है वो बाद में देखेंगे, पहले हम इसको ब्रैकेट लगाते हैं। 5 बाहर आ गया, पीछे क्या बचा, यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई बाई ए, इसको हम लिख लेंगे यहाँ पे। आप इसको सिंपली मल्टीप्लाई करके 5a भी लिख सकते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास क्या है, प्लस साइन है, तो प्लस साइन लिखेंगे हम। प्लस के बाद हमारे पास 5 जो है वो बाहर चला गया, पीछे क्या बचता है, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 और b बचता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 3 और आगे हमारे पास क्या है, मल्टीप्लाई बाई बी बच गया, ठीक है। इसको आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 3 के बाद हमारे पास ये 6 बन जाएगा, और साथ बी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप लिख सकते हैं इसको 6b, ओके हो गया। उसके बाद माइनस साइन है, तो माइनस आएगा, 5 मल्टीप्लाई बाई सी, 5 यहाँ से चला गया कॉमन, बाहर यहाँ पे आ गया, तो पीछे क्या बचता है, सी बचता है, ठीक है, सिंपल सी बच जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो चुका है, फैक्टराइज हो चुका है। अब अगर आप इसका रिवर्स प्रोसेस करें, मल्टीप्लाई करें इसको 5 को 5a प्लस 6b प्लस माइनस सी, तो आपका क्या आंसर आएगा, ये वाला आंसर आना चाहिए, ठीक है। वैसे बता रहा हूँ आपने करना नहीं है, वैसे आप चेक कर सकते हैं। तो फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है कि रिवर्स मल्टीप्लाई, यानी मल्टीप्लाई जहाँ से स्टार्ट हुई थी उसको रिवर्स फॉर्म में लेके आना है, हमारे पास ये क्या होता है, फैक्टराइजेशन होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमारे पास क्या है, 8ab प्लस 4bc प्लस 12bd, आपने क्या करना है, यहाँ पे इक्वल लगाना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, 8 के फैक्टर निकालने हैं। आप 8 के फैक्टर्स कितने निकाल सकते हैं, हमारे पास क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई बाई 2, अगर आप इसको फैक्टर निकालें बाई प्राइम फैक्टराइजेशन, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 आएगा। उसके बाद हमारे पास क्या है, a मल्टीप्लाई बाई b है, ठीक है। ये आपने सारे फैक्टर्स जो है इसके अलग करके लिख दिए, ठीक है। उसके बाद आगे प्लस साइन है, तो प्लस आएगा, ब्रैकेट क्लोज करें और प्लस साइन लगाएं, ब्रैकेट स्टार्ट करें। उसके बाद हमारे पास 4bc है, तो 4 के फैक्टर निकालें, 2 मल्टीप्लाई बाई 2, हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 2, और आगे हमारे पास क्या है, बी और सी है वेरिएबल, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बी मल्टीप्लाई बाई सी आ जाएगा, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज कर दिया आपने, उसके बाद प्लस साइन है, प्लस लिखेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने इसके फैक्टर निकालने हैं 12 के, आप निकालेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाय 3, इसको मल्टीप्लाई करें तो 12 बनता है, तो ये हमारे पास 12 के फैक्टर आ गए। उसके बाद आपने इसको मल्टीप्लाई करना है b के साथ और d के साथ, यहाँ तक हमारे पास ये फैक्टर सारे इसके अलग अलग हो गए हर टर्म के। तो आगे आपने क्या करना है, आपने चेक करना है कि कौन सी चीज़ हम कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, हमारे पास 2 है, यहाँ 2 है, और यहाँ भी क्या है, 2 है, ठीक है। एक तो ये आ गया, अब और भी 2 मौजूद हैं, यहाँ पे 2 है, यहाँ भी एक और 2 है, यहाँ भी एक और 2 है, ये कॉमन आ सकता है। अब आगे हमारे पास 2 यहाँ पे तो है लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो ये सब में से कॉमन नहीं आ सकता। ए जो है हमारे पास इसके अंदर है, तो इसके अंदर नहीं है, ठीक है। और हमारे पास बी जो है वो तीनों के अंदर है, ठीक है, बी यहाँ भी है और यहाँ भी है और यहाँ भी। तो सबसे पहले आपने वो फैक्टर्स ढूंढने हैं जो सब के अंदर मौजूद हों। तो हमारे पास सब के अंदर कौन से फैक्टर मौजूद हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, और उसके बाद हमारे पास क्या मौजूद है, बी मौजूद है, ठीक है। ये आपने बाहर निकाल लिए, ब्रैकेट लगा लें, ठीक है। 2 भी बाहर चला गया, ये 2 बाहर चला गया, बी बाहर चला गया, पीछे क्या बचता है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म में 2a बचता है, इसको आपने लिख लेना है, ठीक है। 2a, 2 मल्टीप्लाई a या 2a लिख दें, पहले टर्म क्लियर हो गई। उसके बाद प्लस का साइन है, प्लस का साइन लिखेंगे आप, और 2 मल्टीप्लाई 2 बाहर चला गया, साथ b भी चला गया, पीछे क्या बचता है हमारे पास, सिर्फ c बचता है, तो यहाँ पे आप c लिख लेंगे। उसके बाद प्लस का साइन है,
प्लस लिखें, अब यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 2 बार चला गया, b बार चला गया, पीछे क्या बचता है, ये 3 बचता है और क्या बचता है, d बचता है। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे 3 मल्टीप्लाई डी या 3d लिख सकते हैं आप सिंपल। तो ये हमारे पास कॉमन आ चुका है, उसके बाद आपने जो कॉमन लिया उसको मल्टीप्लाई कर दें, 2 2 4 और b से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4b इंटू 2a प्लस c प्लस 3d, ये वैसे आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे इसके फैक्टर्स आ चुके हैं। ठीक है, आप चाहें तो ब्रैकेट लगा सकते हैं, यहाँ पे ब्रैकेट ना भी लगाएं तो ये हमारे पास ओके है, 4b मल्टीप्लाई हो रहा है पूरे टर्म से। तो ये हमारे फैक्टर्स आ चुके हैं मल्टीप्लाई के फॉर्म में, ये वाले आ चुके हैं। आई होप सो आपको इसका कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अब हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ईजी है, लग बड़ा रहा है लेकिन बहुत सिंपल है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, गौर करना है, एक्स यहाँ पे है, यहाँ पे एक्स है और यहाँ पे एक्स है, यानी इन तीन टर्म में एक्स कॉमन आ रहा है। ठीक है, अगले तीन में क्या है, वाई वाई एंड वाई, यहाँ से वाई कॉमन आ रहा है और जेड जेड एंड जेड, यहाँ से जेड कॉमन आ रहा है। तो आपने पहले क्या करना है, इन तीन टर्म से एक्स कॉमन लेना है, इन तीन टर्म से वाई कॉमन लेना है और इन तीन टर्म से जेड कॉमन लेना है। तो ले कॉमन, एक्स बार आ जाएगा कॉमन, पीछे क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी, एक्स बार चला गया यहाँ से, हमारे पास पीछे क्या बचेगा, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। उसके बाद हमारे पास क्या है, नेक्स्ट वाई कॉमन आ रहा है यहाँ से, वाई वाई एंड वाई, तो प्लस लिखेंगे हम, वाई लिखेंगे, वाई कॉमन आ गया, ब्रैकेट लगा दें, हमारे पास पीछे क्या बचता है, ए प्लस बी प्लस सी, वाई जब कॉमन आएगा यहाँ से तो पीछे क्या बचेगा, ए बी एंड सी, यानी हमारे पास यही चीज़ दोबारा आ जाएगी, ए प्लस बी प्लस सी, ब्रैकेट क्लोज कर दी। उसके बाद नेक्स्ट में बिल्कुल सेम मेथड है, आपको समझ आ गई होगी, यहाँ पे जेड है, यहाँ पे जेड है, यहाँ पे जेड है। ठीक है, तो जेड बाहर आ गया, उसके बाद आपने ब्रैकेट लगानी है और ब्रैकेट के बाद हमारे पास क्या बचता है, ए बी एंड सी बचता है, ए प्लस बी प्लस सी बचता है। ठीक हो गया, तो यहाँ तक हमारे पास ये क्लियर हो गया। आप मज़ीद चेक करें कि हमारे पास इन तमाम टर्म्स में और क्या चीज़ कॉमन आ सकती है। अगर आप यहाँ पे गौर करें तो यहाँ पे दो फैक्टर हैं, एक्स और ए प्लस बी प्लस सी, दो फैक्टर्स हो गए, यहाँ पे वाई है और ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे जेड है ए प्लस बी प्लस सी। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो है ए प्लस बी प्लस बी सब के अंदर कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इसको कॉमन निकाल लेना है जो सबके अंदर आ रहा है, ये बाहर आ गया, पीछे क्या बचता है हमारे पास, जब फर्स्ट टर्म से ए प्लस बी प्लस सी चला जाएगा पीछे क्या बचेगा, एक्स बचेगा, और यहाँ से जब a प्लस बी प्लस सी चला जाएगा पीछे क्या बचेगा, y बचेगा, y लिख लेंगे आप, और उसके बाद जब यहाँ से a प्लस बी प्लस सी गायब हुआ, बाहर गया, कॉमन हुआ, प्लस क्या बच जाएगा हमारे पास, सॉरी z बच जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है फैक्टराइज हो चुका है, a प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई बाई x प्लस वाई प्लस जेड। आप चेक कर सकते हैं सली के लिए, इनको मल्टीप्लाई करेंगे एक x से, एक y से, जेड से, यही चीज़ बननी है आपकी। ठीक है, तो हमारे पास ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। आई होप सो आपको ये बेसिक मेथड समझ आ गया होगा कि हमने बिल्कुल सिंपल टाइप की जो हमारे पास एक्सप्रेशन होती हैं उनको कैसे फैक्टराइज करना है। तो ये हमारे पास टाइप वन थी, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे इसकी मज़ीद टाइप डिस्कस करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, क्लास फेलोज़ के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।